स्वच्छ संरक्षण को लेकर निगम ने बुलाई बैठक। शिक्षा प्रतिष्ठान के प्रधानाचार्य व शिक्षा अधिकारी बैठक में उपस्थित। कचरे को खाद में बदलने की गई बात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के सर्वे से पहले निगम द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई, जिसमें शिक्षा प्रतिष्ठानों के प्रधानाचार्य को बुलाया गया। बैठक में शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। करीब 10 स्कूलों के प्रधानाचार्य को इस बैठक में बुलाया गया था। उनसे कचरे को लेकर बात की गई कि वे अपने स्कूल में कचरे को खाद में बदले। इस तरह की जानकारी दी गई कि वह कचरे का उपयोग खाद में करें। उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि अगर बच्चे स्कूल में इस चीज को सीखते तो वह अपने घर पर भी इसका प्रयोग करेंगे, जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी और अजमेर सफाई के मामले में आगे आ सकेगा। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो चल रहा है, समय चल रहा है, इसके तहत नगर निगम के द्वारा, चूँकि इन्हीं सर्वेक्षण के बाद में जो वापस हर शहरों की रैंकिंग तय होती है, इसके तहत आज जो नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के जो काफ़ी पॉपुलर जो जो स्कूलें हैं, जो प्रशिक्षण है, शिक्षण प्रस्थान है, उन सभी को पर उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था। और उनको बुलाने के पश्चात शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद थे, आयुक्त, उपायुक्त, प्रशासन भी हमारे साथ मौजूद थे और पूरी हमारी जो तकनीकी टीम, वो सब ने उनको कुछ समझाया इस संबंध में और उनको तय किया कि वे अपने स्कूल में भी अब वो कचरा सेग्रीगेट करते हुए और कचरे का निस्तांतरण करेंगे, यानी खाद के लिए कुछ ना कुछ वो वहाँ पे अपने इस तरह की व्यवस्था करेंगे, उसका खाद बनाया जाए। और उसको बनाने का साथ में ये भी दे रहा था कि स्कूल से इसलिए कराया जाना उचित है क्योंकि हर स्कूल में 1500 से 2000 छात्र होते हैं और निश्चित रूप से जो छात्र अपने पढ़ाई के साथ देख के जाता है वो घर जा करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से जो छोटा छोटा और हर घर में जो कचरा था उससे खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो समझाई गई ताकि हर आदमी इसको यूज करे और खाद बनने के बाद पौधों में यूज करे ताकि सफाई और सुचारू और पर्यावरण तीनों चीज़ सुधर सके। इस संबंध में आज कार्यशाला थी, करीब हमने 10 करीब स्कूल के प्रिंसिपल हमने बुलाए थे, पार्ट्स में बुला रहे सभी को इस संबंध में। मैं खुद था, उपायुक्त विकास, उपायुक्त प्रशासन, हमारे जो नार सिंह जी हैं एक्शन वो, सीमा चौधरी जो इसकी नोडल है स्वच्छ सर्वेक्षण की, साथ ही हमारी जो टीम जो देखने की जो टीम लगी हुई सभी थे।